तेजस्वी का कहना है कि जिस तरह का व्यवहार उनके परिवार के साथ किया जा रहा है उसे जनता देख रही है और सही समय आने पर जनता इसका जवाब भी देगी। शिवहर में आज तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा की अंतिम यात्रा में शामिल होने के दौरान मीडिया से ये बातें कही। देखिए तो आज के विषय में इसमें हमको कुछ नहीं कहना, जो हो रहा है इस पे तो लगातार डेली हम लोग बातें रख रहे हैं और बार बार एक ही चीज़ को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता जो है और देश की जनता सारी साजिशों को समझने का काम कर रही है और आने वाले समय में जनता की अदालत। विकास समीक्षा यात्रा के पांचवें चरण में सीएम नीतीश कुमार गया के टिकारी प्रखंड पहुंचे, जहां आयोजित समीक्षा यात्रा के दौरान 5,71,00,000 रुपए की 225 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। साथ ही छात्रों को किसान क्रेडिट कार्ड, कौशल युवा कार्यक्रम के तहत सम्मान और सर्टिफिकेट भी दिया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 7 निश्चय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, सभी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, शहरों जैसी सुविधा गांव में हो, इसके लिए 4 सालों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसे तय अवधि में पूरा किया जाना है। वहीं आगामी 21 जनवरी को बनाए जाने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए उन्होंने लोगों से अपील भी की है। मैं जिला प्रशासन को और संबंध विभागों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने 225 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कराया है जिसकी कुल लागत 506 करोड़ रुपए की है। इसके लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे खुशी है। लेकिन हम एक बात कहेंगे आप सब लोगों से, यह सब तो आ गया और सरकार की तरफ से भी पूरी शक्ति, लेकिन सब चीज के बावजूद सर आप धनबाद जेडीयू को मजबूत करने के लिए जिला जेडीयू ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। हीरापुर में अब जेडीयू का नया कार्यालय होगा जिसका उद्घाटन जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने किया। वहीं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अपनी मांगों को लेकर शरद गुट धरने पर बैठा है। पूर्व मंत्री सह नीतीश गुट ने धरने पर बैठे लोगों द्वारा पार्टी के झंडे का इस्तेमाल करने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वे लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेडीयू नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी आज यहाँ कार्यालय खोल के अपना कार्यालय का उद्घाटन कर रही है और जो लोग अस्तित्व विहीन लोग हैं जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है ऐसे लोग ड्रामा करने का काम कर रहे हैं तो हम लोग लीगली से सलाह लेकर इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कोई अगर हमारा झंडा का दुरुपयोग करेगा तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जलेश्वर महतो जी अगर कुछ बोले होंगे तो सिंबल उनको मिला है जनता दल यू नाम नहीं मिला है, उस पर कोर्ट में केस है। हमारा फोटो लगा हुआ है यहाँ शरद यादव का, अली अनवर का, रामस्वरूप यादव का, नीतीश जी का, आपका जलेश्वर महतो जी का फोटो नहीं लगा हुआ है, समझ गया ना। इसलिए हम अपने पूर्व वरिष्ठ नेता पंडित रघुनाथ झा के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। आज रघुनाथ झा की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए राज्य के दिग्गज नेता शिवहर पहुंचे। शिवहर के पिपराढ़ी प्रखंड के अंबा गांव स्थित पैतृक आवास पर जैसे ही रघुनाथ झा का शव पहुंचा, उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी में सड़कों के दोनों किनारे उनके अंतिम दर्शन के लिए मानव श्रृंखला जैसी तस्वीर बन गई थी। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने रघुनाथ झा के निधन को जहां आरजेडी के लिए बड़ी क्षति बताया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की ओर से दुख जताते हुए इस संकट की घड़ी में रघुनाथ झा के परिवार के साथ खड़ा होने की बात कही है। निधन पर हम लोग दुख प्रकट करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं और लगातार अंतिम सांस तक रघुनाथ झा जी ने हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम किया और कल हम रांची गए थे, लालू जी से मुलाकात हुई और जब लालू जी को पता चला रघुनाथ झा जी के बारे में तो उनको काफ़ी दुख पहुंचा इस बात को लेकर के और काफ़ी चिंतित भी हुए क्योंकि पुराने सहयोगी ही नहीं, एक पुराने मित्र के तौर पे लगातार पार्टी में हों या लालू जी के साथ उनका जो संबंध है वो किसी से छुपा नहीं है तो काफ़ी क्योंकि दुख इस बात का है कि लालू जी भी उनके
इस अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाए। श्री रघुनाथ झा पुराने राजनेता, हमारी संगति तो 50-60 वर्षों की थी। बिहार प्रदेश और देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। देश प्रदेश के विभिन्न पदों पर रह करके उन्होंने आजीवन देश सेवा की और अपने इलाके में बड़ा लोकप्रिय थे। कई बार उनसे मतभेद भी हुआ था, कई पार्टी में इधर उधर हम लोग अलग अलग भी रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में अपनापन कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। यह उनकी